हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि लार्वा को हम कैसे बहुत आराम से लर्न कर सकते हैं, वेरी इजीली, और इसकी ट्रिक के साथ। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कोई लार्वा नहीं है, नो लार्वा। देन सेकेंड इज़ पोरीफेरा। यू कैन सी हियर द ऑर्गेनिज्म, साइकॉन है, ल्यूकोसिलेनिया है और हायर स्पंजस हैं। यहाँ पर जो साइकॉन है, यहाँ पर देखिए साइकॉन का जो लार्वा है दैट इज़ एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला में आपको कैसे लर्न करना है इसको, साइकैम्फी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको शो किया हुआ है, दिस वन साइकैम्फी। ओके, तो साइकैम्फी से हम लर्न कर सकते हैं इसको। देन द सेकेंड वन इज़ ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया जो है वो इसका जो लार्वा है पेरेंट काइमुला, तो यहाँ पे ल्यू और पैर, तो इससे बनेगा ल्यूपा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूपा, तो ल्यूपा, ल्यूकोसोलेनिया पैरेन्काइमुला। हायर स्पंजस में रेगोन है, आप इसको याद कर सकते हैं कि हायर स्पंज है, तो हायर रेगोन, हायर आर रेगोन, यू कैन लर्न लाइक दिस। बाकी ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकेंड आते हैं नाइडेरिया, दैट इज़ नोन एज सिलेंड्रेटा ऑल्सो। यहाँ पर है ओबेलिया और सी एनिमन, इन दोनों में जो लार्वा है दैट इज़ प्लेन्यूला, प्लेन्यूला। तो इसे लर्न कैसे करते हैं, ओ बी प्लान। जैसे हम कुछ भी प्लान बनाते हैं तो हम कहते हैं कि इसका ये ए प्लान है और इसका बी प्लान क्या है, ओ बी प्लान। ठीक है, ओ बी प्लान। ठीक है, एंथोजोआ। एंथोजोआ में देखिए सिंपल्स लार्वा होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन ईजिली लर्न इट कि एंथोजोआ जो है वो यहाँ पे सिंपल्स लार्वा है। इसका मैंने कोड नहीं बनाया है, आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं सिंपली। तो एंथो सिंपल आप लर्न कर सकते हैं। ऑरेलिया, ऑरेलिया में देखिए जेलीफिश, ये जो है इसका लार्वा है एफायरा हाइड्राटूबा, एफायरा हाइड्राटूबा। यहाँ पे एफायरा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो और फिर कोई भी चीज़ आप देखें, कोई भी बात करते हैं हम, तो उसके बाद हम उसको बताते हैं जब, तो कहते हैं और फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, लाइक दिस। तो यहाँ पे है और फिर, ठीक है, और फिर लाइक दिस यू कैन लर्न। टीनिया, टीनिया में आता है टेपवर्म जो है, इसका लार्वा आता है ऑनकोस्फियर हेक्साकैन ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस जिसे कहते हैं। इसको आप कैसे लर्न कर सकते हैं, आपको पहली चीज़ तो मैं बता दूं, इसको मैंने जो यहाँ पे जो कोड बनाया है वो इस तरह से है कि आपको ये लाइन वाइज लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा लार्वा, फिर उसके बाद कौन सा उससे लार्वा से चेंज होके सेकेंड लार्वल स्टेज, तो फर्स्ट लार्वल, सेकेंड लार्वल, थर्ड लार्वल स्टेज। ऑनकोस्फियर हेक्साकैन ब्लैडर वर्म, ऑन हिज ब्लैडर। देखिए क्या है कि ब्लैडर, ऐसे समझिए कि ब्लैडर जो है वो टियर अप हो गया है, हो सकता है ब्लैडर कहीं से लीक हो रहा हो, तो उस पर क्या लगा दिया, टेप। तो टेप ऑन हिज ब्लैडर, टेप ऑन हिज ब्लैडर, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस में आता है फैशियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो लीवर फ्लूक है उसमें देखिए आपको ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, टीजीटी बायोलॉजी में, कि जो फैशियोला हेपेटिका में लाइन से जो लार्वल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनके बारे में, तो लाइन से आपको सिक्वेंशियल वे में लर्न होना चाहिए। तो वेरी इजी ट्रिक है, मिस आरसी मेहता। ठीक है, तो मिस, तो यहाँ पे एम एस आर सी, आर सी मेहता। ठीक है, तो मेरासीडियम, उसके बाद आता है सेकेंड स्टेज स्पोरोसिस्ट, देन रेडिया, देन सर्केरिया, देन मेटा सर्केरिया। बहुत आराम से आपको लर्न हो जाएगा, मिस आर सी मेहता। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास होंगे ही, आपको बस उसमें टिक करना होगा, अदरवाइज कोई एक लार्वा पूछता है तो वो भी आपको लर्न रहेगा। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अभी निमेथेलमिंथिस की। वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा हो सकती है प्रॉब्लम, बट आप सपोर्ट करेंगे, इसके बाद हम इससे अच्छी क्वालिटी लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज निमेथेलमिंथिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्केहेलमिंथिस। तो यहाँ पे क्या है, एनसाइक्लोस्टोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक वर्म, फिर है वुचेरेरिया, एंड जिसे वो कैरिया भी कह सकते हैं, और एस्केरिस है। तो यहाँ पे जो आपका लार्वा एस्केरिस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लर्न रखेंगे, एस रब डी। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें किसकी आस है,
हम किसकी हमें किसकी आस करनी चाहिए, हमेशा ऊपर वाले की, है ना, ऊपर वाले की आस करनी चाहिए और किसी की नहीं दुनिया में। तो आस रब दी, ठीक है, ये बहुत आराम से लर्न हो जाएगा, आस रब दी, ठीक है। अगर आपको ये कोडिंग अच्छी लगी हो, देखिए मैं इसका वोकेरिया का और एनसाइक्लोस्टोमा का नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये आराम से लर्न हो जाएंगे। वोकेरिया फाइलेरियल वॉर्म है, इसलिए माइक्रोफिलेरी, और एनसाइक्लोस्टोमाटा हुक वॉर्म है, तो ये फाइलेरिया फॉर्म है, ठीक है, फिलेरी फॉर्म है। सो तो ये जो है आपको लर्न हो जाएंगे, इसको ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। तो सेकेंड पार्ट चाहिए फ्रेंड्स तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं सेकेंड पार्ट कुछ ही मिनटों में आपको बना के दे दूँगी। प्लीज़ कमेंट करिएगा तभी मैं सेकेंड पार्ट दूँगी। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।